सबसे पहले हम ये ले लेते हैं, ये वाला और ये ले लेते हैं, ठीक है। इसको हम ये तीन साइड में कर लेते हैं, इसे हम पहले निकाल लेते हैं। सीधे ऐसे रखते हुए सिल लेते हैं सबको भी ऐसे। तो ये देखिए मैंने इसको ऐसे हाथ से कच्ची सिलाई लगा दी है, सेम हम इसे भी करेंगे दोनों को, और इसे भी हमने किया था। अब देखिए तो देखिए मैंने स्टिच कर लिया है दोनों को। इसके बाद ये जो हमारा था ये इसे हम ऐसे ये देखते हुए ये इस पे आना चाहिए सेम, ये देखिए ऐसे इसे हम स्टिच कर लेंगे, ठीक है, सीधे ऐसे। पहले आप हाथ से कर लो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, नहीं तो आप चाहे तो डायरेक्ट मशीन पे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिखेगा, ये हम मशीन पे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमारा चौक यहाँ से दिख रहा है, इसको हम पहले ऐसे लगा लेते हैं, उसके बाद इसे भी सेम ऐसे ही करते हुए यहाँ से ये देखते हुए इसे हमें स्टिच कर लेना है। यहाँ से सीधे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए मैंने स्टिच कर लिया है, अब हम ये दोनों को लेते हुए ऐसे ऐसे नाप के देखेंगे। देखिए ये हमारा बराबर में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये इसका था और ये इसका है, फिर हमें क्या करना है इसे और इसे स्टिच करना है। तो हम यहाँ से लेते हुए ऐसे ऐसे रख के ये देखिए ऐसे रखना है, और ये मशीन से हमें स्टिच कर लेना है। अगर आपको मशीन से डायरेक्ट नहीं मिलता, पहले आप ये धागा लीजिए, उसे हाथ से लगा लीजिए पहले, ठीक है। देखिए ये मैंने कर लिया है, अब इसे हम मशीन पे चला लेते हैं, ठीक है। सेम इसे भी ऐसे ही करना है। तो ये देखिए कुछ मेरा ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हमें ये नीचे साइड का लेना है, इसको पहले हम निकाल लेते हैं। अब इसके हमारे चार पार्ट थे।
दो पार्ट को साथ में ले लेते हैं। ये जो हमारी ब्लाउज पीस है, हम ब्लाउज पीस के साइड रखेंगे और अस्तर हमारा नीचे है वो नीचे साइड रखेंगे। तो जहाँ अस्तर है वहाँ अस्तर लगाना है और जहाँ ब्लाउज पीस है वहाँ ब्लाउज पीस। अब मैं ये साड़ी पिन से आधे आधे इंचेस पे इसे फिट कर रही हूँ। तो ये मैंने लगा लिया है, अब हम इसे आधे इंचेस पे स्टिच कर लेंगे। तब देखिए हमारा ऐसा दिखेगा। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, फिर ये हमें ऊपर से इसे फोल्ड करते हुए देखिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे रोल में एकदम। अब इसे दोनों को ऊपर करते हुए यहाँ से हम नीचे से आधे इंचेस पे स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए अभी से हम स्टिच करेंगे। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, अब इसे हमें निकालना है। ये देखिए यहाँ से हमें ऐसे निकाल देना है। ये मेरा हो गया। ये हमने यहाँ तक कर लिया, अब हम इसकी यहाँ पट्टी निकालेंगे। देखिए ये हमें निकालना है, ठीक है, ये और ये। तो हमें ये निकालने के लिए पहले एक तो हमें 2 इंचेस का चाहिए और 3 इंचेस चाहिए चौड़ाई। तो हम देखिए कैसे निकालेंगे इसे। ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है ये अस्तर से हमें निकालना है। ये यहाँ का साइड लेते हुए यहाँ से नापते हुए देखेंगे ये यहाँ तक आ रहा है, 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ से लेना है, तो इसको हम साइड में कर देते हैं। एक हमें 2 इंचेस का चाहिए, तो सीधे से कट कर लेते हैं। तो ये 2 इंचेस यहाँ तक आ रहा है, तो ये हम सीधे 2 इंचेस पे ये कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने कट कर लिया है, ये मेरा 2 इंचेस है और ये मेरा 3 इंचेस है, ठीक है। तो अब हम ये लेते हैं ये यहाँ ले। इसके बाद हमें अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक ब्लाउज जैसे ले लीजिए। ये देखिए ये कहाँ लगा है हुक, इस साइड। तो जो हुक वाली साइड है वो आएगी 2 इंचेस, ठीक है। तो हमारी ये 2 इंचेस वाली है, इसे हम देखिए यहाँ रखना है और ये हमारी 3 इंचेस वाली है, इसे हम ऐसे रखेंगे। इसे ऊपर रखना है और इसे नीचे रखना है, ठीक है। जो हमारी हुक वाली है ये ऊपर आएगी और जो ये हमारी काज वाली वो नीचे आएगी। तो इसे हम दोनों को 1/2 इंचेस पे ऐसे सिल लेते हैं, सेमी से भी 1/2 इंचेस पे ऐसे वे सिल लेते हैं। यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे सिल लेते हैं 1/2 इंचेस पे। इसको भी सेम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा हमारा पार्ट है इसे भी 1/2 इंचेस पे सिल। तो ये मैंने सिल लिया, इसको हम ऐसे लेते हुए इधर से नाप के देख लेंगे। देखिए एकदम बराबर में आ रहा है, मतलब सही है। अगर बराबर में ना आए तो उसे थोड़ा बहुत आप यहाँ से ऐसे स्टिच कर सकते हो, तो ये बराबर में हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए मेरा पूरा एकदम बराबर में आ रहा है सब।
देखिए पीछे से भी देख लेते हैं, ये पीछे से भी बराबर में सब। तो ये मैं इसे स्टिच कर रही हूँ हाफ इंचेस छोड़ते हुए। हम इसे यहाँ से फोल्ड करेंगे थोड़ा सा, जो हाफ इंचेस हमने एक्स्ट्रा लिया था। ये एक और सिलाई में लगा रही हूँ। अब देखिए हमें इसे से फोल्ड करते हैं, यहाँ से हमें हाफ इंचेस अंदर फोल्ड करेंगे इसे भी, और इसे हम ऐसे मोड़ देंगे। अब हम इसे पूरा स्टिच करना है चारों तरफ से। तो ये मेरा हो गया। अब ये देखिए यहाँ इस साइड हमारी हुक लगेगी, ठीक है। देखिए यहाँ हमें हुक लगाना है, और जी ये साइड है, यहाँ हमारा कज होता है, तो इसे हम पहले नीचे से आधे इंचेस पे इसे भी हम सिल लेंगे। अब ये देखिए यहाँ मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था, उसे हम फोल्ड कर लेंगे और एक और सिलन मार लेंगे। ये मेरा हो गया है। अब इसे हम यहाँ से खोलते हुए इसे भी हाफ इंचेस स्टिच कर लेंगे इसे मशीन से। तो ये देखिए मैंने कर लिया है। अब इसे हम ऐसे खोलते हुए हाफ इंचेस पे फोल्ड करेंगे और इसे हम स्टिच कर लेते हैं पहले। अब यहाँ हमें कज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये कपड़ा देखिए हमें ऐसे लगाना है, और इसे हम चौक से लेते हुए हमें 5 हुक लगाने हैं, तो हमें 5 कज भी करने होंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले कपड़े को देखो मैंने एक बार फोल्ड किया है, यहाँ हम निशान लगा लेते हैं, यानी ये हमारी 3 निशान हो गए। अभी हमें 2 और चाहिए, इसे फिर से हम फोल्ड करेंगे यहाँ से, एंड फिर ऊपर वाले से फोल्ड करते हुए एक और। तो ये देखिए मेरे 5 हो गए हैं पूरे। अब इसे हम डायरेक्ट मशीन से लगाएंगे। तो ये देखिए हमें कैसा लगाना है यहाँ से सिलाई करते हुए, फिर वहाँ से ये जो बीच का हमारा हिस्सा है वो खाली रहेगा। जैसे मैंने चौक से किया वैसे ही आप कीजिएगा। ये देखिए फिर मैंने वो चौक पे
कर दिया है एंड सेम हम सबको ही ऐसे ही करेंगे। ये मैंने यहाँ का ये सिल लिया है और ये मेरा बुक कर लिया है। यहाँ हम बुक लगाएंगे। यहाँ कच मैंने ऑलरेडी सिलाई मशीन से देखिए ऐसे कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसे रख देते हैं। तो ये हमारा आगे का रेडी है। अब हमें पीछे का, तो ये हमारा पीछे का है।